चीज़ें सब बनाई हूँ, मतलब ओलंपिक्स के लिए जो बनाई हूँ सब पेंटिंग्स, वो कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाई हूँ। जैसे कि पीवी सिंधु जी के लिए, मीराबाई चानू और लवलीना मैम के लिए जो मेडल्स बनाई हूँ, वो सब में वो जो प्री का खेलने के लिए आता है एक गेम के लिए, वो कार्ड से और पीलो कवर से लेके मैं बनाई हूँ एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करके। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले जो जब 23 जुलाई को ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो उसी वक्त पहला जो मेडल था वो मीराबाई चानू जी ने हासिल किया था, जो कि सिल्वर मेडल था। तो उनके लिए मैं पहले बनाई थी ये मेडल, जो कि ओलंपिक का जैसे होता है वो मेडल जैसे ही होता है हूबहू मैं वैसे ही बनाई हूँ। तो अच्छा लग रहा है जब मतलब जो कोई देख रहे बोल रहे कि ये बिल्कुल ओलंपिक मेडल जैसे दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है। जो भी मेन टीम मतलब पहले तो मेन हॉकी टीम का था, तो हॉकी टीम के लिए मैं बनाई थी, वो लोग तो ब्रोंज मेडल हासिल किए थे, तो उनके लिए मैं एक स्पून में आर्ट बनाई थी। स्पून का जो पहले हिस्सा था उसमें मैं मेन टीम का एक कोच के साथ एक मतलब बनाई थी टीम का, फिर उसके जो पिछले हिस्सा है वो उसमें चकते इंडिया लिख के ओलंपिक्स का सिंबल यूज़ करके वो बनाई थी। नीरज चोपड़ा जी को पहले मैं कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत साल बाद पहले ही मतलब पहला एथलीट है जो कि गोल्ड मेडल हासिल किए है, तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट किए, वो अपने आप ही मतलब उन्हें गोल्डन मैन कहा जाता है अभी। तो वो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, इसीलिए उनका जो पेंटिंग है मैं वो एक गोल्डन मतलब गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स में बनाई हूँ। जो थाली वाला आर्ट था उसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। फिर जो तीन मेडल बनाई थी पीवी सिंधु जी के लिए और मीराबाई चानू जी के लिए और लवलीना मैम के लिए, तो वो मुझे उसके बाद मतलब वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, दो दिन लगा मुझे। फिर स्पून में और जो ज्वेलरी बॉक्स में था, ज्वेलरी बॉक्स में और जो रवि कुमार दहिया सर के लिए और बजरंग पुनिया जी के लिए है, वो में क्विक पेंटिंग था तो वो थोड़ा टाइम कम लगा, और बाकी जो आर्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे। ABP News, आपको रखे आगे।